देखिए, विशेष करके मैं वीडियो में अपने विद्यार्थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला देहरादून उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। वैसे तो उस विद्यार्थी सबके लिए, क्योंकि मैं इस कॉलेज में राजकीय महाविद्यालय डोईवाला में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं बच्चों को बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ मिक्सचर एनालिसिस, मिश्रण के परीक्षण के लिए जो आपके यहाँ इनऑर्गेनिक मिक्सचर है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 के अकॉर्डिंग मिक्सचर एनालिसिस, ये आपका BSc फर्स्ट सेम में भी है और BSc थर्ड सेम में भी है। तो दोनों विद्यार्थी ध्यान दो, BSc फर्स्ट सेम में तो सेकंड ग्रुप तक है, और जो BSc थर्ड सेम के विद्यार्थी हैं उनके वहाँ फर्स्ट सेम से लेके सिक्स्थ ग्रुप BSc रीडिंग तक है, एसिडिक और BSc रीडिंग टेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 ध्यान दें, नंबर 1 पहला पॉइंट, कभी भी मिक्सर में नंबर 1 यदि उसमें फ्लोराइड आयन F-1, बोरेट आयन BO3-3-1 या फॉस्फेट PO4-3-3- फॉस्फेट आयन और ऑक्जिलेट C2O4-2- आयन होंगे, तो मिक्सर में द्वितीय समूह के बाद यानी थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप का परीक्षण उसमें नहीं करेंगे। ये इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई बार बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है एसिडिक रेडिकल के टेस्ट में, तो उनको ही ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, यानी अधिकतर हम ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, इन्हें नहीं दिए जाते हैं। क्या क्या? नंबर 1, दूसरा क्लोराइड आयन Cl- Br- ब्रोमाइड आयन I-1 आयोडाइड आयन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा एक साथ, इनमें से केवल एक रेडी कर दिया जाएगा, या तो क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन, तीनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तीसरी बात, इसी प्रकार नाइट्राइट NO2-1- और नाइट्रेट NO3-1-, यानी नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, ये भी दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तीसरी बात, अगली बात, चौथी बात, यानी फॉस्फेट आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्जिलेट आयन और बोरेट आयन, ये भी चारों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अगली बात, आयोडाइड आयन I-1 और नाइट्राइट आयन NO2-1-, आयोडाइड आयन तथा नाइट्राइट NO2-1-, ये भी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? और कंफ्यूज मत करें, नाइट्रेट आयन NO3-1- होता है, नाइट्राइट आयन NO2-1- होता है, ये ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन है। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मिक्सर में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और ऑक्जिलेट आयन को अगर इनका टेस्ट कर रहे हैं आप, हैलाइड आयन का टेस्ट कर रहे हैं, ऑक्जिलेट आयन का कर रहे हैं, तो इनको हमेशा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से निश्चित कर लेना चाहिए। किससे निश्चित कर लेना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से। क्लियर? सोडियम एक्सट्रैक्ट मैंने पहली वीडियो बना रखी है कि कैसे बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, है ना, उससे जरूर इसको निश्चित कर लेना। इसमें जनरली बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अगला जो लास्ट पॉइंट ये है, ब्रोमाइड आयन Br-1 और नाइट्रेट आयन NO3-1-, इनके परीक्षण में भी बहुधा गलतियां हो जाती हैं या विद्यार्थी गलती कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ब्रोमाइड आयन Br-1 और नाइट्रेट आयन NO3-1-, ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं, मैं बहुत जोर दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपने क्या करना है ऐसे केस में करने के लिए, आप क्या करेंगे, टेस्ट में मिक्सचर लेंगे, उसमें कंसंट्रेट एस्टर मिलाएंगे और MnO2 मिलाएंगे और गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद फिल्टर पेपर लाएंगे, फिल्टर पर डिप करेंगे और पखली के मुंह पर लाएंगे। मींस अ फिल्टर पेपर डिप इन वाटर ब्रिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट, यहाँ लाएंगे। ये फिल्टर पेपर बिकम्स येलो, दिस मीन्स ब्रोमाइड आयन इज गर्म, ठीक, मतलब मिक्सचर लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें कंसंट्रेट एस्टर लेना है और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 लेना है, गर्म करना है और एक फिल्टर पेपर को पानी में भिगा करके उसके मुंह पर लाना है। यदि फिल्टर पेपर गीला हो जाता है तो इस गीला फिल्टर लाएंगे, यदि पीला हो जाता है येलो, तो इसका मतलब पक्का क्या है, Br-1 ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को आप लाइक भी करें साथ साथ, थैंक यू वेरी मच।